ये बहुत अच्छा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इवन मैं तो ये चाहूंगी कि इनके रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी इनके पेरेंट्स तक को जानी चाहिए कि पुरुष और स्त्री एक समान है और समाज में सभी वर्ग समान है। ये हमेशा मतलब नॉर्मली पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, लेकिन इसको कभी फॉलो नहीं किया गया, रेगुलेशन के तहत इस बात को लिया नहीं गया। जैसे कोई भी नई चीज आती है तो उसका कहीं विरोध होता है, कहीं उसके लिए एक्सेप्टेंस होती है, तो निसंदेह धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जाएगा और इसमें कुछ अच्छाइयां हैं। जो बात कही जा रही थी महिला सशक्तिकरण, आज कंधे से कंधा मिलाने का हक उन्हें दिया जा रहा है। हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि उत्तराखंड पहला स्टेट है जहाँ पे ये UCC लागू हुआ है कि सारे कम्युनिटी के लिए जो हमारे मैरिज से रिलेटेड हैं और आपके पॉवर्टी को लेके हैं उसमें सबका यूनिफॉर्म एक अप्लाई होगा। तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड में लागू होने जा रहा UCC कानून पूरे देश के लिए नजीर बन सकता है। साथ ही आजादी के बाद भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां UCC कानून लागू होगा। सदन में पेश हुए UCC बिल में कई सारे प्रावधान लाए गए हैं जो कि उत्तराखंड में रहने वाले हर धर्म, हर जाति और हर समुदायों के लिए एक समान नियम उल्लेखित करते हैं। UCC कानून को लेकर हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की और देखिए UCC बिल को लेकर क्या कहना है देहरादून की जनता का। SGRR विश्वविद्यालय के कुछ टीचर्स हमारे साथ हैं जिनसे हम UCC को लेकर बात करेंगे। मैम, सभी धर्मों के सभी समुदायों पर अब समान नागरिक संहिता जो उसमें जो कानून लाया जाएगा, जो कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद जो कानून बनेगा, तो सेम ही कानून, सेम नियम सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। आप कैसा मानती है, कैसे देखती हैं? देखिए, सेम नियम की अवधारणा हम हमेशा से कहते हैं कि पुरुष और स्त्री एक समान है और समाज में सभी वर्ग समान है। ये हमेशा मतलब नॉर्मली पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, लेकिन इसको कभी फॉलो नहीं किया गया, रेगुलेशन के तहत इस बात को लिया नहीं गया। अब जब ये UCC लागू हुआ है तो मैं ये समझती हूँ, एक तो सबसे पहले महिलाओं का उत्थान होगा, क्योंकि जो कुछ एक वर्ग है जो वंचित रह जाते हैं बहुत सारी चीजों से, उनका भी उत्थान होगा। तो समान हर तरीके का वितरण होगा, समान जो महिला है कोई भी बच्चा गोद ले सकता है, इसमें जमीन जायदाद से संबंधित मामले हैं, शिक्षा से संबंधित है, हर क्षेत्र में जब समानता होगी तभी हम कह सकेंगे कि पुरुष और स्त्री समाज जो है वो सशक्त हो रहा है। हालांकि कुछ समुदाय के लोग हैं जो कि इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं भी कुछ आहत हुई हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये जो कानून है किसी तरह ये किसी की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर सकता है? देखिए, अगर शिक्षा के संबंध में आप बात कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शिक्षा कोई किसी की धर्म या किसी उसका पैरोकारी नहीं करती है, ठीक है। शिक्षा हमें हमारे को जागरूक होना सिखाती है, हमें समाज का एक सबल नागरिक बनाती है, एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाती है। धर्म विशेष की बातें जो कर रहे हैं वो धर्म के वैसे ठेकेदार है जो ये चाहते हैं कि समाज धर्म के आधार पे लड़े। क्यों लड़े हम धर्म के आधार पे? आज हमारे बहुत सारे मूलभूत मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों पे बात करें, हम क्यों ये धार्मिक विषयों को उठाएं? क्योंकि कोई भी नई चीज आती है तो उसका कहीं विरोध होता है, कहीं उसके लिए एक्सेप्टेंस होती है, तो निसंदेह धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जाएगा और इसमें कुछ अच्छाइयां हैं जो हमें स्वीकारनी चाहिए। महिलाओं को लेकर के इसमें काफी संरक्षण दिया गया है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो लिविंग रिलेशन को भी उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा उन्होंने विवाह को भी एक मान्यता दी है कि भाई 2010 के बाद के जितने भी विवाह होंगे वो पंजीकृत किए जाएंगे। इसका निश्चित कहीं ना कहीं लाभ जो है हमारे महिला उत्तराखंड की महिलाओं को निश्चित ही मिलेगा, जो कि एक बहुत प्रशंसनीय कार्य होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और राज्य भी प्रेरित होकर के इसको अपने लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप कैसे देखती हैं, अगर ये कानून उत्तराखंड में आता है तो कैसा रहे? सबसे पहले कि UCC जो नियम पारित हुआ है उसके लिए हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि उत्तराखंड पहला स्टेट है जहाँ पे ये UCC लागू हुआ है। और इसमें सबसे जो ज्यादा फायदा हुआ है महिलाओं और बच्चों को हुआ है, जिसमें चाइल्ड मैरिज, डिवोर्स या जो इनहेरिटेंस है उसमें जो महिलाएं हैं, जो खास करके जो मतलब किसी भी श्रेणी में, यही नहीं कि निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, हर श्रेणी की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए फायदेमंद है। पॉलीगैमी, लिव इन रिलेशनशिप इन और भी कई तरीके के जो सामाजिक इश्यूज हैं उसमें एक तरीके से सिविल कोड लागू हुआ है, उससे उन सभी महिलाओं को एक राहत मिलेगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है जहाँ पे UCC लागू होगा, तो आप कैसा मानती हैं कि जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में आने वाली है ये कितना बेनिफिशियल हो सकती है उत्तराखंड की? इस वक्त BJP शासित राज्य है और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए मैं बहुत हर्ष अनुभव करती हूँ उत्तराखंड की महिलाओं और देश भर की महिलाओं के लिए कि ये एक ऐसा विधेयक है जो महिलाओं को, जो बात कही जा रही थी महिला सशक्तिकरण, आज कंधे से कंधा मिलाने का हक उन्हें दिया जा रहा है।
तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कि पहली बार महिलाओं को तलाक देने का जो उनकी माता पिता प्रॉपर्टी की बात करते हैं उसमें सम्मान या उसके जो बच्चे बाद में पिता के नहीं होने के बाद जिनको बेघर से हो जाते हैं उन्हें दोनों बेटी और बेटे को समान रूप से उनके प्रॉपर्टी में हक मिल रहा है। महिलाएं अब रियल सेंस में आगे आ रही हैं, उनको जो सशक्तिकरण की बात कहते हैं, कंधे से कंधा मिलाने वाली बात कहते हैं, शिक्षा देने की बात कहते हैं या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज इस विधेयक के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हम सशक्तिकरण आज महिलाओं के बीच में आ चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड के अलावा भी क्या बाकी देश के राज्यों में भी ये कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जिसमें असम में भी ये कार्यवाही चल रही है, हर स्टेट में ये कानून लागू होना चाहिए। महिलाएं अलग तो है नहीं, महिलाओं को आज तक जो घर में कार्य करने के लिए अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं रहती थी, चाहे वो जॉब में भी आ जाए उसके बावजूद भी वो अधिकार उसे प्राप्त नहीं था, पर आज इस विधेयक के द्वारा उत्तराखंड सबके लिए रोल मॉडल के रूप में आ रहा है और मेरे को लगता है कि भविष्य में इन कमिंग टाइम में ये जरूर ऐसा अन्य राज्यों में भी इसको पारित किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है कि महिलाओं को भी मेल्स की तरह इक्वलिंग दर्जा दिया गया है। मैं यही दरखास्त करना चाहूंगी कि एक कानून ऐसा भी आए जो ये लड़के आजकल के टाइम पे गर्लफ्रेंड बनाते हैं, 6-7-8-10 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, पहले टाइम में ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, हमारी जात नहीं मिलती। जब एक लड़की के साथ आप आगे बढ़ते हैं तब ये चीजें कहाँ जाती हैं। मैं यही दरखास्त करना चाहूंगी कि कैसा भी कानून बने कि अगर कोई लड़का बैकस्टेज करता है तो लड़की को ये हक होना चाहिए कि उसकी पुलिस कंप्लेन कराए और पुलिस वाले ये ना कहे कि अरे ये तो चलता रहता है तुमने क्यों किया तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं उसकी उतनी ही सुनवाई होनी चाहिए जितनी एक लड़की की तब होती है जब वो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट कंप्लेन करने जाती है। हालांकि इस बिल में ये प्रावधान लाया गया है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में इतना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नहीं तो उन्हें जेल हो सकती है और जुर्माना भी उन्हें देना पड़ सकता है। बहुत सही है, होना चाहिए क्योंकि हम आजकल आप देखते हैं कि रिलेशनशिप में रह रहे हैं उसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इवन मैं तो ये चाहूंगी कि इनके रजिस्ट्रेशन की एक एक कॉपी इनके पेरेंट्स तक को जानी चाहिए। आप ये मानती हैं कि उत्तराखंड के अलावा भी देश के और बाकी राज्यों में भी ये कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये कानून हर जगह लागू होना चाहिए, इससे कोई भी बचना नहीं चाहिए क्योंकि इसी से तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी के दिल में डर आ सकता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे लिए भी कार्रवाई हो जाएगी। विधानसभा में एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि सारे कम्युनिटी के लिए जो हमारे मैरिज से रिलेटेड हैं और आपके पॉवर्टी को लेके हैं उसमें सबको यूनिफॉर्म एक अप्लाई होगा, तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है और हमारा जो सोसाइटी है एक लिबरल एस्पेक्ट की तरफ जा रहा है। पॉवर्टी है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, तो सभी कम्युनिटी का अलग होगा, ये हमारा सोशल लॉ है, सभी कम्युनिटी पर डिफर नहीं होगा, सब में एक यूनिटी रहेगी, तो समाज को जोड़ने में और बच्चों के और महिलाओं के लिए एक अच्छी चीज़ है। देखिए कोई भी अच्छी नई शुरुआत होती है तो शुरू में थोड़ा उसके अगेंस्ट में आवाज़ होती है, बट जब लोग उससे बेनिफिटेड होते हैं समझते हैं तो उससे उसका वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तो उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, अन्य स्टेट को भी इससे मतलब इंस्पायर होना चाहिए और इस कदम आगे बढ़ाना चाहिए।